किन मुद्दों का, प्रमुख मुद्दे कौन से हैं सर आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी? सबसे पहले तो है लोगों को सिक्योर करना है, ये जो आतंक का माहौल है उसको खत्म करना है। लोग डर रहे हैं कि अगर वो कल को वोटिंग कर आते हैं और मालूम चल जाता है तो उनके साथ किसी तरीके की गलत हरकत भी हो सकती है, घटना भी हो सकती है, तो ये जो डर है सर, अगर ये रहेगा डेमोक्रेसी में तो किस तरीके से चल पाएगा सर? वही डर को तो दूर करना भाई। तो ये लोगों के दिलों में आप कैसे बैठाएंगे कि हम आने वाले? अब सबका अपना अपना तरीका होता है, आप झंडे गाड़ते रहिए, डंडे गाड़ते रहिए और कोई दिल से आकर के लोगों को समझाते हैं। नमस्कार, मैं कावेंद्र चौहान। पश्चिम बंगाल में चल रहे सियासी तूफान के बीच आपको बता दें कि तीसरे चरण की वोटिंग के बीच सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरी तरीके से जुट गए कैंपेनिंग के बीच। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रासबिहारी में, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट सुब्रत शाह जी मौजूद हैं, यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। सर जी, तो वो देखिए यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव जो है किस तरफ जाने वाला है। कैंपेनिंग लगातार जारी है, इस बीच बात करेंगे। सर क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहा है पूरा? आप माहौल खुद ही देख रहे हैं, कितना उत्साह है लोगों में, कितना लोग चाहते हैं कि असली यहाँ पे कोई चेंज आए। परिवर्तन तो बहुत क्लिशेड हो गया वर्ड, कैसे लोग चाह रहे हैं कि चेंज चाहिए। जो आतंक का माहौल है, जो करप्शन का माहौल है, कोअर्शन का माहौल है, एक्सटॉर्शन का माहौल है, लोग निकल के आना चाहते हैं उनसे। सर यहाँ पर ये बताइएगा सर, किन मुद्दों का, प्रमुख मुद्दे कौन से हैं सर आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी? सबसे पहले तो है लोगों को सिक्योर करना है, ये जो आतंक का माहौल है उसको ख़त्म करना है, लोगों को एक दिलासा देना है कि यहाँ पर दिल खोल के जैसे एक अच्छी डेमोक्रेसी में, अच्छे गणतंत्र में लोग जीते हैं वैसे जिए, नंबर वन। नंबर टू, पीछे आधी गंगा बह रही है, वो आधी गंगा को अगर आप देखें आपको सब चीज़ का प्रॉब्लम पता जाएगा, कितना यहाँ पे हेल्थ के लिए ज़रूरत है, कितना यहाँ पे लोगों के शिक्षा के लिए ज़रूरत है, कितना यहाँ पे उन्नयन उन्नति की ज़रूरत है, कितना यहाँ पे लोगों को बेसिक रहता है, राइट टू प्रॉस्पर, राइट टू प्रोग्रेस कहाँ है? बड़ी बड़ी बातें होते हैं उन्नति, कैमरा घुमाइए वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये उन्नति का कोई इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेस? सर एक तरह की बात बहुत चर्चा में है कि लोगों के बीच में डर भी है, लोग डर रहे हैं कि अगर वो कल को वोटिंग कर आते हैं और मालूम चल जाता है तो उनके साथ किसी तरीके की गलत हरकत भी हो सकती है, घटना भी हो सकती है, तो ये जो डर है सर, अगर ये रहेगा डेमोक्रेसी में तो किस तरीके से चल पाएगा सर? वही डर को तो दूर करना भाई। तो कैसे करेंगे सर? वही डर को दूर करने की पूरी परिकल्पना जो है हमारे क्या कहते हैं संकल्प पत्र में दिया गया है। जिस तरह से जो सिक्योरिटी, अभी खास करके जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव के लिए जो लोग आए हैं जगह जगह से, सिक्योरिटी फोर्सेज आए हैं, किस लिए आए हैं? इसी के लिए तो आए हैं कि माहौल को जो है सिक्योर किया जाए। उसके बाद जब जनता हमें सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, उसके बाद इसको और सिक्योर करेंगे, जो ये काम होना चाहिए जो देश के अन्य जगह पर है, जो पूरे विश्व के गणतंत्र में है, उस तरह का यहाँ पे माहौल बनेगा। सर मीडिया में जो एनालिसिस बता रहे हैं वो ये इस तरफ इशारा करते हैं कि अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है लोगों को ये बताने में कि आप लोग आने वाले हैं, परिवर्तन की जो श्रृंखला है वो शुरू होने वाली है, तो ये लोगों के दिलों में आप कैसे बैठाएंगे कि हम आने वाले हैं? देखिए ये तो हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के बिल्कुल यंग कार्यकर्ता तक सब वही चीज़, वही प्रचार कर रहे हैं, वही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब सबका अपना अपना तरीका होता है, आप झंडे गाड़ते रहिए, डंडे गाड़ते रहिए और कोई दिल से आकर के लोगों को समझाते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। बाकी इसके बाद लोग फैसला करेंगे कि किसका रास्ता सही है, किसके रास्ते में फ्यूचर है। सर आखिरी सवाल ये बताइए, ममता बनर्जी जब से चोटिल हुई हैं तब से आपको लगता है कि सिंपथी की जो लहर है उनके लिए, उनकी दिशा में बढ़ चुकी है, देखिए इसका फायदा मिल सकता है? देखिए इसकी समझ ममता जी को होनी चाहिए, हमारी समझ जो हम लोगों के सामने में लेकर आ रहे हैं हमें उसकी समझ है, और हमारी पूरी चेष्टा है कि वो समझ हम लोगों तक पहुंचा दें। बाकी ममता दीदी के लिए जो है वो समझे। 2 मई को परिवर्तन देखने को मिल सकता? बिल्कुल बेशक परिवर्तन मिलेगा आपको देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट थे सुब्रत शाह, इनसे बातचीत की। ये पूरी कैंपेनिंग जो है लगातार जारी है, यहाँ पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव होने को है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं अभी तक, क्या कुछ रहा मिला जुला देखने को कहेंगे। अगर हम लोगों ने जिस तरीके से कवर किया तो मिली जुली स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो समर्थक हैं वो मुखर होकर बोलते हैं, ऐसा लगता है कि मानो कोच्ड हैं, बहुत अच्छे से बता पाते हैं, स्पीचेस दे पाते हैं, बड़े अच्छे से बोल पाते हैं, लेकिन जो आम जनमानस है जो खुलकर नहीं बताता कि वो दरअसल टीएमसी की साइड है या बीजेपी की साइड है, वो आखिरी में क्या किसे वोट देने जा रहा है, ये खुलकर स्थिति अभी साफ नहीं हो पा रही है। तो जो साइलेंट वोटर है जिसकी हम लगातार बात करते हैं, वो यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करने वाला है और बड़ा रोल जो है अख्तियार करने वाला है। तो हमारी जो कवरेज है वो लगातार जारी है, अगली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, वहाँ जाकर लोगों से बात करेंगे और वहाँ कौन कैंडिडेट है उनसे भी बात करेंगे। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।